यूपी के फर्रुखाबाद के नगर पंचायत शमशाबाद क्षेत्र में विवादित भूमि पर पूर्व चेयरमैन और चेयरमैन के पुत्र भाजपा नेता विजय गुप्ता सरकारी अमले के साथ सड़क निर्माण कार्य करवाने पहुंच गए। शमशाबाद के नगर पंचायत के इलाका इमली दरवाज़ा और सिकंदरपुर महमूद से विवादित चक्रोट का विवाद निपटाने पहुंचा चार थानों का पुलिस फोर्स। थाना मेरापुर, कायमगंज, कंपिल और शमशाबाद का पुलिस फोर्स मौजूद रहा है। इलाका इमली दरवाज़ा हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। एसडीएम कायमगंज ने चक्रोट का विरोध कर रहे नगरवासियों को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। एसडीएम कायमगंज की बात सुनकर चक्रोट निर्माण का विरोध कर रही महिलाओं ने जताया एसडीएम कायमगंज और पुलिस प्रशासन पर भरोसा। विरोध काफ़ी समय तक चलता रहा, न्यायालय का स्टे होने के बाद भी नहीं रुका कार्य, पीड़ित लगाते रहे गुहार। क्या मामला है सर? अभी क्या मामला हुआ? आपने जो आश्वासन दिया है और ये जो लोग हटे हैं, क्या आश्वासन दिया आप बता दीजिए। चक्रोट का लेकर विवाद था, कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ये चक्रोट है, ये हम लोगों के भूमिधरी से है, तो उनके भूमिधरी की पैमाइश की बात कर ली गई, तो मुकदमा कर लेंगे, उनके भूमिधरी की पैमाइश अलग से कर लेंगे। चक्रोट अपने जो नियत जगह है उस पर बन रहा है और इस पर कोई भी न्यायालय का आदेश या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस नंबर पर होता है। बाकी पक्ष सहमत हो गए हैं, वो कोई व्यवधान नहीं है और आज केवल अभी कच्चा काम हो रहा है, बाकी निर्णय होने के पश्चात इस पर आगे का जो भी प्रपोजल होगा संबंधित। सर अगर इनका नंबर नहीं था तो ये महिलाएं यहाँ पे बैठी क्यों थी सर? आप अपनी शिकायत बोलने के लिए शिकायत करता है, उनको कुछ भ्रम होगा तो वो लोग कर रहे होंगे, अब इनके पश्चात उनका अगर संदेह और भ्रम का निराकरण कर लिया जाएगा तो उनका संपर्क कर। मेरा नाम खुर्शीद अहमद और मेरे पिता मरहूम मकबूल अहमद और मोहल्ला इमली दरवाज़ा, थाना शमशाबाद, तहसील कायम जिसकी प्रथम और मौला सिकंदरपुर महमूद में अचानक इन लोगों ने ईओ पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता और लेखपाल ये लोग आए, आकर के इन लोगों ने मेरे खेत में जो कि सिकंदरपुर महमूद में है उसमें इन्होंने जहाँ जरी डालनी थी वहाँ ना डाल के अपनी मर्जी से जरी पे डाल के और मेरा रकबा 613 में को चिन्हित कर दिया। तो मुझे मेरी गैर मौजूदगी में ना ही मुझे कोई इत्तला दी गई और जब मुझे इस बात की खबर हुई तो मैंने एसडीएम साहब के यहाँ अपनी एक एप्लीकेशन दी कि मेरी परिवर्श हो, तो वहाँ भी मेरी कोई नहीं सुनी गई। फिर मैंने एसडीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी तो वहाँ भी मेरी कोई बात पर गौर, मेरी एप्लीकेशन पर गौर नहीं किया गया। जब मैंने कोर्ट का सहारा लिया और मैंने कोर्ट में अपना मुकदमा किया जो कि 21 अगस्त को मुझे कोर्ट ने स्टे दिया और मुझे भरोसा हो गया कि मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा क्योंकि कोर्ट न्याय का मंदिर है। लिहाजा हम अपने घर आ करके मुतमिन होकर के बैठ गए। फिर उसके अचानक 13 सितंबर को फिर राजेश विभाग की टीम आई पुलिस बल के साथ और उसने अपना कार्य करना शुरू किया। हम अपने घर के मुझे जब खबर हुई तो हम अपने घर के सदस्य को लेकर के वहाँ मौके पर पहुँचे। हमने कहा
कि सर किसका किसके किसके आज की है, तो इसका पूर्व चेयरमैन और यो और लेखपाल बड़ा कुटी यानी इसके को नहीं मानते, कोई इसके विचार नहीं है, हमें तो किसी को नहीं मानते, और ये 612 है इस पर कार्य किया जाए और हम पर कमजोर आदमी पुलिस बल के आगे गिड़गिड़ाते रहे, ये इनके आगे इन अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाते रहे, इन्होंने हमारी एक न सुनी और पुलिस से हमें गिरफ्तार करा के थाने को। अब साहब वहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं, आने पर ये पता चला हमें बाद में, ये मालूम हुआ कि एसडीएम साहब आए और आकर के उन्होंने हमारे बाकी जो सदस्य थे उन्हें ये आश्वासन दिया कि इस सड़क को समतल कराया जाए, इसका इस पर कोई दूसरा निर्माण नहीं होगा, तो हमारे घर के सदस्य इस बात पर मान गए और घर वापस।